आशा के मोती चैनल में आपका स्वागत है। सुनहरे शहर के रूप में जाना जाने वाला कांचीपुरम अपने खूबसूरत मंदिरों के लिए बेहद प्रसिद्ध। कांचीपुरम को धार्मिक स्थल का केंद्र माना जाता है, जहां आप देसी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की भी भीड़ देख सकते हैं। अगर आप भारतीय संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं तो सुनहरे शहर के रूप में कांचीपुरम जरूर आएं। भारत में कांचीपुरम, जिसे हजार मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, देश के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। इन मंदिरों की शानदार वास्तुकला, धार्मिक महत्व, समृद्ध इतिहास दुनिया भर से भक्तों, प्राथमिक और धार्मिक उत्साही लोगों को आकर्षित करता है। मैं आपको कांचीपुरम के खूबसूरत मंदिरों और उनके खुले रहने के समय के बारे में बताती हूँ। कांची कैलाशनाथर मंदिर एक महत्वपूर्ण मंदिर स्थल है, जो वेदवती नदी के तट पर पश्चिमी सीमा पर तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में पूर्व की ओर स्थित है। मंदिर हिंदू भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है और पूरे वर्ष, विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दौरान, आप यहां बड़ी संख्या में पर्यटकों को देख सकते हैं। कांची कैलाशनाथवर मंदिर सुंदर चित्रों और शानदार मूर्तियों से अलंकृत है। इस भव्य मंदिर का निर्माण पल्लव शासक रासिम्हा द्वारा शुरू किया गया था और उनके पुत्र महेंद्र वर्मा पल्लव ने इसे पूरा किया था। ये मंदिर सुबह 5:30 बजे से 12 बजे तक खुलता है, तो वहीं शाम 4 बजे से 9 बजे के बीच भी आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। कामाक्षी अम्मन मंदिर दिव्य देवी कामाक्षी को समर्पित है, जिन्हें प्रेम, प्रजनन क्षमता और शक्ति की हिंदू देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। माना जाता है इस स्थान पर देवी सती की नाभि गिरी थी। कामाक्षी नाम में का अक्षर सरस्वती का प्रतिनिधित्व करता है, माँ लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है और अक्षी का अर्थ है आँखों को देखना। अगर आप कांचीपुरम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो कामाक्षी अम्मन मंदिर जरूर जाएं। यह मंदिर सुबह 5:30 बजे से 12:30 बजे तक खुलता है और वहीं शाम 4 बजे से 8:30 बजे के बीच भी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में स्थित वरदराज पेरुमल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देव समूह में से एक है और इसका अत्यधिक धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अलवर या काव्य संतों ने इस मंदिर का दौरा किया था। मंदिर परिसर बेहद बड़ा है, जिसे चोल राजाओं के शासन काल के दौरान बनाया गया था। दुनिया भर से भगवान विष्णु के भक्त विष्णु कांची में विशेष रूप से 10 दिवसीय वैकाशी ब्रह्मोत्सव, पुरतासी नवरात्रि और बैकुंडा एकादशी के दौरान आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर आते हैं। यह मंदिर सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलता है और वहीं शाम 4 बजे से 8:00 बजे के बीच भी आप इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित और 108 देव समूह में से एक उल गलंधर पेरुमल मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में कामाक्षी अम्मन मंदिर के बहुत पास स्थित है। मंदिर महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है और दुनिया भर के अनुयायी इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच है। एक अम्बरनाथ मंदिर कांचीपुरम का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि 20 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और पल्लवों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बाद में चोल और राय दोनों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। इस मंदिर की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि 1000 लिंग सभी एक एकांत पत्थर से तराशे गए हैं। साथ ही मंदिर के भीतर 1000 खम्भों वाले हाल भी मौजूद है। एक अम्बरनाथ मंदिर के बाहर एक आम का पेड़ है, जो लगभग 3500 साल पुराना है। यह मंदिर सुबह 6:30 बजे से 12:30 बजे तक खुलता है, वहीं शाम 4 बजे से 8:30 बजे के बीच भी आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। कांचीपुरम में स्थित चित्रगुप्त मंदिर हिंदू देवता चित्रगुप्त को समर्पित है। चित्रगुप्त को मृत्यु के देवता यमराज के सहायक के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर में आप पारंपरिक वास्तुकला का अद्भुत काम देख सकते हैं, जो दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिरों में पाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रगुप्त का जन्म एक पेंटिंग से हुआ था, जिसे
भगवान शिव ने चित्रित किया था और उन्हें मनुष्यों के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखाकार के रूप में नियुक्त किया गया था। यह मंदिर सुबह 5 बजे से 12 बजे तक खुलता है, तो वहीं शाम 5 बजे से 11 बजे के बीच भी आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। देवरा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर के राजाओं ने करवाया था। यह हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के अंदर अलंकृत उत्कीर्ण स्तंभ है जो कि देखने में बेहद आकर्षित लगते हैं। इस भव्य मंदिर में एक विवाह कक्ष है जिसे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के विवाह की याद में बनाया गया था। इसमें एक पानी की टंकी भी है जिसके अंदर भगवान विष्णु की एक बड़ी मूर्ति है। टैंक को हर 40 साल में खाली किया जाता है और इस दौरान आप 10 मीटर ऊंची मूर्ति को देख सकते हैं, जिसे 48 दिनों के लिए दर्शन के लिए स्थापित भी किया जाता है। फिर इसे पानी में विसर्जित कर दिया जाता है।